सब्सक्राइब करें सुहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहाइपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले बिलासपुर नागपुर न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। वही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों 11 दिसंबर 2022 से इस न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन होने वाला है और ये भारत की 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर होने वाला है। दोस्तों आप सभी को काफी एक्साइटमेंट होंगी जानने की कि इस ट्रेन का किराया क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, ट्रेन नंबर क्या है, कौन कौन से क्लासेस होंगे ट्रेन में एंड मेनी मोर क्वेश्चंस होंगे आपके मन में। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ट्रेन का नंबर। तो दोस्तों ट्रेन का नंबर इस प्रकार है, जैसे 20825 बिलासपुर नागपुर अप ये ट्रेन नंबर होने वाला है, 20826 नागपुर बिलासपुर डाउन ये ट्रेन का नंबर होने वाला है। दोस्तों ये ट्रेन टोटल 412 किलोमीटर के डिस्टेंस को सिर्फ 5 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली है। ये ट्रेन वीक के 6 दिन ही ट्रेन चलेंगी, सिर्फ सैटरडे को ये ट्रेन नहीं चलेंगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करने वाला है। दोस्तों ट्रेन की एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर तक की होने वाली है और मैक्स स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक की होने वाली है। दोस्तों इस रूट पर टोटल 38 ट्रेन अभी चल रही है इस वंदे भारत एक्सप्रेस को मिला के, और इस वंदे भारत एक्सप्रेस से पहले इस रूट के सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस और पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस थी। इन दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर तक की थी और दोनों ट्रेन अपनी जर्नी 5 घंटे 40 मिनट में तय करती थी। दोस्तों देखा जाए तो इस न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस से टाइम की ज्यादा कोई सेविंग नहीं हुई है, बस 10 मिनट की सेविंग हुई है टाइम की। बल्कि ये न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस 4 हॉल्ट लेती है और दोनों दुरंतो एक्सप्रेस सिर्फ एक ही हॉल्ट लेती थी। वेल दोस्तों पैसेंजर्स के हित से देखे तो ये ट्रेन काफी हेल्पफुल होने वाली उनको, क्योंकि इस ट्रेन में काफी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है जो पैसेंजर्स उसका फायदा उठा सकेंगे। दोस्तों ट्रेन का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है, जैसे ट्रेन नंबर 20825 बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन से सुबह में 6:45 AM को डिपार्ट होंगी और सेम डे दोपहर में 12:15 PM को नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में अराइव होंगी। सिमिलरली ट्रेन नंबर 20826 नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से दोपहर में 2:05 PM को डिपार्ट होंगी और सेम डे बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 7:35 PM को शाम में अराइव होंगी। अब जानते हैं दोस्तों इस ट्रेन का फेयर क्या होने वाला है। दोस्तों ट्रेन में दो ही क्लासेस होने वाले, चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास। दोनों क्लास फुल्ली एयर कंडीशन होने वाले। दोस्तों जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक अपडेटेड फेयर गूगल पर शो नहीं हो रहा था, बट आपको जो मोस्ट प्रोबेबली फेयर होने वाला है वो बता देता हूँ जो इतना हो सकता है। तो दोस्तों चेयर कार में लगभग 1200 रुपए के आसपास फेयर हो सकता है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास में 2100 रुपए तक का फेयर हो सकता है नागपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से नागपुर तक का। तो अब जानते हैं दोस्तों ट्रेन का टाइम टेबल। सबसे पहले जानते हैं 20825 बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल। दोस्तों ट्रेन बिलासपुर जंक्शन से 6:45 AM को डिपार्ट होंगी। पहला हॉल्ट आएगा रायपुर जंक्शन जहाँ ट्रेन 8:01 AM को आएंगे और यहाँ ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। सेकंड स्टॉप आएगा दुर्ग जंक्शन जहाँ ट्रेन 8:48 AM को आएंगी और यहाँ ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तीसरा स्टॉप राजनांदगांव रेलवे स्टेशन आएगा जहाँ ट्रेन 9:07 AM को आएंगे और यहाँ ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का ही हॉल्ट होने वाला है। चौथा हॉल्ट और लास्ट हॉल्ट गोंदिया जंक्शन आने वाला है जहाँ ट्रेन 10:28 AM को आने वाली और यहाँ ट्रेन का हॉल्ट 2 मिनट का होने वाला है। लास्ट ट्रेन नागपुर जंक्शन पर 12:15 PM को अराइव होने वाली है। सिमिलरली देखा जाए तो दोस्तों 20826 नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार होने वाला, जैसे नागपुर जंक्शन से ट्रेन 2:05 PM को डिपार्ट होने वाली और पहला हॉल्ट गोंदिया जंक्शन आएगा जहां ट्रेन 3:36 PM को आएंगी, यहां ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। सेकंड स्टॉप आएगा राजनांदगांव रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन 4:44 PM को आएंगी और यहां ट्रेन का सिर्फ 1 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तीसरा हॉल्ट दुर्ग जंक्शन होने वाला जहां ट्रेन 5:15 PM को आएंगी और यहां ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। आखिरी और चौथा हॉल्ट रायपुर जंक्शन आने वाला है जहां ट्रेन 5:50 PM को आएंगे और यहां ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। दोस्तों आखिरी बिलासपुर जंक्शन में ट्रेन आएंगी 7:35 PM को। दोस्तों ट्रेन के स्पीड की बात की जाए तो ट्रेन की टॉप हाई स्पीड गोंदिया से नागपुर सेक्शन पर रहेंगी 130 किलोमीटर पर आवर तक की, वही सबसे स्लोवेस्ट स्पीड राजनांदगांव से दुर्ग सेक्शन पर रहेंगी 30 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड। वही इन सेक्शन पर दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड कुछ इस प्रकार रहने वाली है, जैसे नागपुर से गोंदिया 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड
रहेंगी। गोंदिया से राजनांदगांव 104 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड रहेंगी। राजनांदगांव से दुर्ग 30 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड रहेंगी। दुर्ग से रायपुर 37 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड रहेंगी और रायपुर से बिलासपुर 110 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड रहने वाली है। दोस्तों ये ट्रेन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से ही चलेंगी। तो दोस्तों ये रही न्यू वंदे भारत बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जल्दी इस ट्रेन से ट्रेन जर्नी करने वाला हो कल ही इनॉग्रेशन रन पे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल पर नए हो और इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।